नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। सुकमा जिले में किसान इस चिंता में है कि उनका मेहनत का धान सरकार लेगी कि नहीं। वहीं सुकमा के कोडरीपाल में 150 किसान पिछले एक हफ्ते से अपने धान बेचने के लिए दिन रात रखवाली करने को मजबूर है। वहीं उनकी चिंता यह है कि उनका धान खरीदा जाएगा या नहीं। जिले के धान खरीदी केंद्र में बारदानों की कमी के चलते धान खरीदी प्रभावित हो रही है। धान खरीदी के मात्र 3 दिन शेष होने से किसान उपज कैसे बेचेंगे, इसकी चिंता सता रही है। इधर डीओ नहीं कटने के कारण खरीदी केंद्रों से धान का इतना उठाया नहीं जा रहा है। सुकमा जिले में अब तक 98,000 क्विंटल की धान का उठाव हो चुका है और 1,20,000 क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया है, जबकि बड़ी तादाद में किसान धान खरीदी केंद्र धान लेकर अभी किसान पहुंच रहे हैं। हम लोग 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी से आते हैं और यहाँ रात को रुकते हैं, सोते हैं और धान का रखवाली करते हैं। कितने दिन से रखवाली करते हैं? हम एक सप्ताह से यहाँ आ रहे हैं। कितने लोग रखवाली कर रहे हैं? यहाँ करीब करीब 100-150 आदमी रुकते थे रात को। 100-150 आदमी रोज रात को रुकते हैं। क्या करते हैं? अपना धान का रखवाली करते हैं। धान आप लोग का लिया नहीं जा रहा है? अभी नहीं लिया जा रहा है, उसके क्या कारण है? बोरा नहीं आने के कारण। अधिकारी वो बोले? हाँ बोले सर, अब पिछले दो दिनों में 2 सप्ताह 1 सप्ताह की बोरा आएगा बोले। उसके आने के बाद 1,000 बोरा आया था, फिर पोरताल के वो भी खत्म हो गए। ये रहते वैसे बोरा की कमी होने के कारण हम लोग का धान उठाई नहीं हो रहा है, धौलाई नहीं हो रहा है। कितने दिन से नहीं हो रहा है खरीदी? कल से नहीं हो रहा है। हाँ। इसके पहले भी बंद हुआ था बता रहे हैं? उससे पहले भी 1 सप्ताह के लिए बंद हुआ था, उसके बाद फिर बोरा आया, 10,000 बोरा आया था बोलते हैं, खत्म हो गया। तो अब कैसे करोगे? तो बोरा नहीं है तो कहाँ धान कैसे बेचने में दिक्कत हो रहा है? हाँ दिक्कत तो हो रही है, अभी टाइम भी काफ़ी कम है। कम है, अब क्या करें, परेशानी बढ़ रही है अपने को। तो आप लोग अधिकारियों के लिखित शिकायत वगैरह की हो? तो आए दिन आते हैं अधिकारी, आएगा बोरा बोलते हैं, अब तक आया नहीं है। क्या क्या बोले थे कि बोरा आएगा? एक ही बार आया है? आज आएगा, कल आएगा, पता चला कि हम लोग को कि आज कुछ बोरा आने वाला था। लगभग कितने किसानों का धान खुले में बाहर पड़ा हुआ है? अभी तो देख रहे हैं आप लोग किसान, कितने संख्या क्या होगी? लगभग कितने संख्या होंगी किसानों की जो धान बाहर में पड़े हुए हैं? अभी 100-200 किसान, 100-200 किसान को बाहर धान पड़ा हुआ है। अपनी व्यवस्था बना के बाहर में रखे, अंदर रखने के लिए जगह भी नहीं है ना। बहुत किसान परेशान है, थोड़ा मतलब एक हफ्ता बंद हुआ है, किसान को बहुत परेशान है। कितने दिन से आप लोग यहाँ? मैं तो यहाँ गांव का व्यक्ति, मेरे को मालूम है यहाँ बहुत परेशानी है, किसान लोगों को यहाँ ध्यान रखने के लिए जगह भी नहीं है, और यहाँ अंदर बुझाओ बोलने के लिए यहाँ भी जगह नहीं है, बोरा का बहुत परेशान है। और यहाँ सो रहे हैं लोग अपने धान के रखवाली के लिए? रखवाली के लिए सो रहे हैं। ऐसे कितने लोग होंगे जो डेली सो रहे? जो रहे 4-5 लोग अपना अपना किसान का धान है। अच्छा, 100-200 किसान का है जी, डेली अलग अलग पैरा लगा रहे हैं, रात में रहते हैं जी। तो आज तौल नहीं रहे तो आप लोग? बोरा नहीं है, बोरा बहुत प्रॉब्लम है जी, किसान को बोरा का बहुत प्रॉब्लम है। बस्तर से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।